नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में ठंड की एंट्री हो गई है, पारा लुढ़कने लगा है और पारा ने अपने तेवर यानी बिहार में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने अपने घर में रजाई और तोशक भी निकालना शुरू कर दिया है। बता दें कि आज इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के अलग अलग ज़िलों में आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा, तापमान कैसा रहेगा, मौसम कैसा बना रहेगा। नवंबर का महीना अब जाने को है, लेकिन बिहार में मौसम का मिजाज कुछ अजब ही बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से ठंड ने असर दिखाया है, रात और सुबह के तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। इस बीच पटना समेत कई इलाकों में तड़के सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हवाई यातायात पर असर नजर आ रहा। कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते पटना एयरपोर्ट पर सुबह के समय फ्लाइट की लैंडिंग प्रभावित हो रही है। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिन अभी ऐसा ही मौसम रहेगा, तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार हैं। बुधवार को पटना समेत 14 शहरों में न्यूनतम तापमान कुछ ऊपर चढ़ा है, अधिकतम तापमान में भी कई जगह बढ़ोतरी नजर आई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान मोतिहारी में रहा बीते दिनों, जहां पारा 32.2 डिग्री तक पहुंच गया। पटना में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में और जिलों में पारा ऊपर गया, उनमें भोजपुर में 29.8 डिग्री, गोपालगंज में 31.6 डिग्री, छपरा में 29.8 डिग्री, औरंगाबाद में 27.8, कैमूर में 27.7, बांका में 27, मुजफ्फरपुर में 27 दर्ज किया गया है। तो वहीं वैशाली में 29, बेगूसराय में 29.9, शेखपुरा में 29.7, पूर्णिया में 29.8, अररिया में 31 डिग्री तक पारा चढ़ गया। किशनगंज में अधिकतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूबे में 3 जिले ऐसे रहे जहां पारा नीचे गया, उनमें गया प्रमुख है, जहां अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान कई जगहों पर पारा ऊपर जा सकता है। राज्य में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री ऊपर जाने के आसार है। रविवार को भी गया और दूसरे दिन भी सबसे ज़्यादा ठंड रहा। इस जिले में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। तो देखिए, राजधानी पटना समेत सूबे के अलग अलग ज़िलों में पारा लुढ़कता नज़र आ रहा है और मौसम में बदलाव दिख रही है। मौसम में बदलाव ऐसे दिख रहा है कि अब बिहार में ठंड लोगों को लगने लगी है, क्योंकि ठंड की एंट्री भी हो गई है। इस वीडियो में हमने आपको बताया आज का तापमान, आज के वेदर अपडेट। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।